हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट आउट क्लासेस। तो आज हम देखने जा रहे हैं पुनर्बलन कौशल और प्रदर्शन कौशल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या किस तरह से इन्हें बनाया जाता है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी लेसन प्लानिंग में दिक्कत आ रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको इंट्रोडक्शन स्किल बनाने में भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब आपको बताते हैं कि पुनर्बलन कौशल होता क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पुनर्बलन क्या होता है। पुनर्बलन का होता है मतलब किसी भी बच्चे को अगर वह कोई काम करता है, जैसे किसी क्वेश्चन का उत्तर वह सही देता है तो उसे उस चीज के लिए प्रोत्साहन करना, अगर वह गलत बताता है तो उसे गलत के बारे में बताकर और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना ही क्या कहलाता है, पुनर्बलन कहलाता है। तो अब बात करते हैं इस स्किल के अंदर क्या होता है कि आपको एक टॉपिक लेना होता है जिसके बीच में, जैसे मैंने टॉपिक लिया पर्यावरण प्रदूषण, तो पर्यावरण प्रदूषण टॉपिक लेने के बाद उससे टॉपिक से रिलेटेड आपको 10 से 15 लाइंस लेनी होती है। जैसे पर्यावरण का अर्थ हो गया, प्रदूषण का अर्थ हो गया, प्रदूषण के प्रकार हो गए, कौन कौन से प्रदूषण होते हैं, प्रकारों से होने वाले रोग, जो भी प्रदूषण होते हैं उनसे क्या क्या रोग हो सकते हैं और उनसे बचने के उपाय भी आपको बताने होते हैं। ये सब तो आप लिखेंगे छात्राध्यापक क्रिया में, और छात्र क्रिया में आप क्या लिखेंगे कि छात्र ध्यान से सुनेंगे वह लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे वह लिखेंगे, ये चीज आपको यहाँ पे लिखनी होती है। ठीक है, और ये एक पुनर्बलन का एक आपको कॉलम बनाना होता है। उसके बाद में आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने होते हैं। इसके अंदर क्वेश्चनिंग मेन होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के बाद जो आपकी बच्चे के प्रति जो आपकी प्रतिक्रिया रहती है वही जरूरी होती है इसमें। तो आपने क्वेश्चन पूछा पर्यावरण किससे कहते हैं, तो बच्चे ने आंसर दे दिया मर चारों ओर के वातावरण को पर्यावरण कहते हैं, तो आप कहेंगे बहुत अच्छा है, ठीक इस तरह से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं, जैसे बच्चे ने बताया चार, तो आपकी प्रतिक्रिया रहेगी अच्छा, ठीक है, ठीक है, अच्छा, ठीक है, गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब ये आपको बता देते हैं कि जो ये पुनर्बलन होता है ये दो तरह का होता है। किस तरह का होता है ये आपको बता देते हैं। पुनर्बलन दो तरह का होता है, कौन कौन सा, एक होता है सकारात्मक पुनर्बलन और एक होता है नकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पुनर्बलन आगे दो तरह के अंदर डिवाइड किए गए हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। पहला है शाब्दिक और दूसरा है अशाब्दिक। शाब्दिक जिसमें शब्दों का यूज किया जाता है वो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन क्या होता है, जैसे अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा, इस तरह से। और सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन जिसके अंदर शब्दों का यूज नहीं किया जाता, सिर्फ शारीरिक क्रिया की जाती है, जैसे सिर हिलाकर या पीठ थपथपाकर बच्चे को पुनर्बलन देना। और नकारात्मक पुनर्बलन में क्या होता है, नकारात्मक में शाब्दिक में क्या होता है कि गलत है, सही नहीं, ठीक नहीं, इस तरह की आप बच्चे को पुनर्बलन दे सकते हैं। और अशाब्दिक में सिर हिलाकर गलत की दिशा में आप बता सकते हैं कि आपका आंसर गलत है। ठीक है, तो इसके बाद में हम बात करते हैं प्रदर्शन कौशल की, कि आपने प्रदर्शन कौशल को किस तरह से बनाना है। तो अब हम देखते हैं प्रदर्शन कौशल। तो प्रदर्शन कौशल में क्या होता है, आप कोई भी शिक्षण बिंदु ले सकते हैं, जैसे भूमि हुआ, कृषि हुआ, या फिर तंत्रिका तंत्र हुआ, इस तरह के आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप टॉपिक ले सकते हैं। उसके बाद में छात्र अध्यापक क्रिया में क्या करना है, आपको वही सेम 10 लाइंस लेनी होती है, जैसे कि आपको पता ही है प्रश्न कौशल में इसी तरह से होता है, शामपट में भी इसी तरह से होता है, और उद्दीपक परिवर्तन कौशल में भी इसी तरह से होता है। ठीक है, और छात्र क्रिया के अंदर आप क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनेंगे वह समझेंगे। ठीक है, इसके बीच में क्या होता है कि आपका प्रदर्शन कौशल के अंदर आपका चार्ट देखा जाता है कि आपने कोई भी चीज अगर बनाई है, अगर आपने चार्ट बनाया तो चार्ट को आप यहाँ पे अन्य सहायक सामग्री के अंदर अटैच करेंगे, उसी जगह पे अटैच करेंगे जहां पे आपने शिक्षण बिंदु पढ़ाना है। अगर शिक्षण बिंदु में जैसे आपने प्रकार लिखे हैं, तो जब आपका टॉपिक प्रकारों से स्टार्ट होगा तो उसके सामने ही आपको अन्य सहायक सामग्री के अंदर एक चार्ट मिनिएचर के रूप में लगाना होता है। ठीक है, तो आपको क्या एक चीज ये बता दूं कि जो आप चार्ट बनाते हैं उस पे जो अक्षरों का आकार है वह बड़ा होना चाहिए, उसके सबसे ऊपर प्रकरण को बड़ा करके लिखना चाहिए और प्रकरण को आपने अंडरलाइन करना है इस तरह से। ठीक है, और जो अक्षरों का आकार है सबसे बड़ी बात है कि जो अक्षरों का आकार वो बड़ा होना चाहिए ताकि बच्चों को पीछे तक दिखाई दे। अगर अक्षरों का आकार छोटा होगा तो वह चार्ट प्रभावित नहीं करेगा बच्चों को और ना ही टीचरों को प्रभावित करेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको एक और चीज बताते हैं कि प्रदर्शन कौशल के अंदर आप किन किन चीजों का यूज कर सकते हैं। एक तो हो गया 2D मॉडल, ठीक है, या फिर आप 3D मॉडल का भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप चार्ट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन तीनों की सहायता से आप प्रदर्शन कौशल को और ज्यादा आकर्षित बनवा सकते हैं या बच्चों को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर किन किन चीजों का यूज होता है, 2D मॉडल, 3D मॉडल और चार्ट। इन पे किसी भी चीज को अगर आपने बताना है तो आप किससे बताएंगे, पॉइंटर से बताएंगे। ये नहीं कि आप अपने हाथ के इशारे से बच्चों को बताएं कि ये इस चीज को बताता है, आपको पॉइंटर की सहायता से ही
3D मॉडल को या चार्ट को समझाना होगा। इससे क्या है कि आपके जो प्रदर्शन करने की स्किल है वो ज्यादा इफेक्टिव लगती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।